हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। कंपैरेटिव स्टेटमेंट का ये क्वेश्चन है, एक बार बुक से देख लेते हैं बुक ने क्वेश्चन को क्या कहा है। मैंने फॉर्मेट आपके सामने रखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन हमें कहता है प्रिपेयर अ कंपैरेटिव स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग एंड इंटरप्रेटेड, यानी इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या हो गया, वही इंटरप्रिटेशन यही है कि आपने जो उसे एब्सोल्यूट डेटा बताया, कंपैरेटिव बता सॉरी परसेंटेज में बताया, और दोनों इन्हें इंटरप्रिटेशन ही कहेंगे आप, यानी उसे बताइए कि क्या पता लग रहा है आपको। ठीक है, ठीक। तो बैलेंस शीट की अगर बात करें तो बैलेंस शीट में उन्होंने 2017 का डेटा पहले दिया है और 2016 का डेटा बाद में दिया है। आप जब कंपैरेटिव करेंगे, आंसर करेंगे, तो 2016 का डेटा पहले होना चाहिए, 2017 का बाद में, जो मैं पहले क्वेश्चंस में भी बता चुका हूं आपको। अब डेटा की बात करें तो इन्होंने फॉर्मेट में ही दे रखा है, जो शेड्यूल 3 का फॉर्मेट है उसी के अकॉर्डिंग दे रखा है, तो हमें ज्यादा परेशानी नहीं आई हमें इस क्वेश्चन में। अगर नहीं दिया होता शेड्यूल 3 के फॉर्मेट के, बैलेंस शीट के फॉर्मेट के हिसाब से, तो हमें पहले उस फॉर्मेट में डालना पड़ता। तो फॉर्मेट के हिसाब से सारी चीजें हैं। बस मैंने क्या किया, जो 2016 का डेटा है पहले लिखा और 2017 के डेटा को बाद में लिखा है। तो बस ये ध्यान आप रखिएगा, अगर ईयर ओल्ड डेटा पहले आना चाहिए और न्यू डेटा बाद में आएगा। अच्छा, इसके बाद बात करें तो आपके अगला कॉलम क्या बनेगा, आपका बनेगा एब्सोल्यूट चेंज का। एब्सोल्यूट चेंज में क्या करेंगे आप, न्यू माइनस ओल्ड करने वाले हैं। न्यू माइनस ओल्ड का मतलब क्या हो गया, बी माइनस ए। तो बी में से ए माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, सी आएगा। आइए हर आइटम के लिए बी माइनस ए करें, यानी न्यू माइनस ओल्ड करें। तो अच्छा, एक चीज और यहां ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में सारा डेटा हमें इन थाउजेंड्स यानी फिगर्स जो दी हैं, अमाउंट जो दी हैं, इन थाउजेंड दी हैं। जैसे मैं बोलूं अगर ये इस अमाउंट को, तो ये 60,000 है, ये 400,000 है, तो लैक में जाएगा, बट उसे आपको देखने की जरूरत नहीं है। आपने ऊपर लिख दिया एक बार फिगर्स इन थाउजेंड, तो बाकी में बस इन्हीं के हिसाब से आप काम करो, आपको कहीं एक्स्ट्रा जीरो वगैरह कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है जी, आइए देखिए हम लोग। तो हमारे पास सबसे पहले देखिए शेयर कैपिटल की बात करें तो 400 से 375 हो गई है, यानी डिक्रीज हो गई। कितना डिक्रीज हुई, ये 25 डिक्रीज हो गया, नेगेटिव हुआ है, डिक्रीज हुआ है, इसलिए माइनस लिखा मैंने इसे, आएगा भी माइनस में ही है। अच्छा, इसके बाद बात करें रिजर्व कैपिटल 60 से 72 आ गई है, यानी इंक्रीज आया है। कितने का, ये आया है 12, 12 का इंक्रीज आ गया। इसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग की बात करें, 90 से 150 हो गया, यानी ये 60 का इंक्रीज आ गया है, 60 का इंक्रीज आ गया। यहां बात करें आपके पास करंट लाइबिलिटीज की, तो करंट लाइबिलिटी 140 से 133 आ गई है, डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज कितने का, 7 का। तो 7, वैसे 7,000 है, बट आप 7 भी बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऊपर लिख दिया फिगर्स इन 1,000 है। चलिए इसके बाद बात करते हैं हम लोग टोटल की। तो टोटल में देखिए 1690 से 730 हो गया, यानी इंक्रीज हुआ है, कितने का, 40 का, 40 का इंक्रीज हो गया ये। चलिए इसके बाद बात करते हैं नॉन करेंट एसेट्स की, 400 से 600 हो गई, यानी 200 का इंक्रीज आया है, प्लस पॉजिटिव है। इन्वेंट्री की बात करें तो 200 से 100 हो गया, यानी डिक्रीज आया है, नेगेटिव हो गया, 100 से डिक्रीज हो गई। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो 90 से 30 आ गया, यानी कि आपके पास नेगेटिव में चला गया, कितना, माइनस का 60 आ गया। ठीक है, मैंने रेड से लिख दिया नेगेटिव आइटम्स को। अगला काम क्या करना है, एब्सोल्यूट चेंज के बाद आपको बताना है परसेंटेज चेंज कितना आया है। परसेंटेज के लिए क्या आपको करना है, सी डिवाइडेड बाय ए, सी डिवाइनी कॉलम सी जो है, ये सी कॉलम है, ठीक है ना, सी को ए कॉलम के अमाउंट से डिवाइड करना है, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दो। एक मैं करके दिखा देता हूं, बाकी को डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो माइनस का 25 डिवाइडेड बाय बेस, यानी जो ए कॉलम है, 400 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो मुझे बता दीजिए कितना अमाउंट आ रहा है, ये कितना आ रहा है, 6.25, 6.25 आएगा माइनस का, 6.25 जी। ये बात क्लियर है, नेगेटिव में आया था, नेगेटिव साइन लगा दिया। अगली बात करें, अगला कितना है, 12 डिवाइडेड बाय 60, 12 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना आएगा, 20, ठीक है, 20% आ गया। इसके बाद बात करते हैं यहां पे 60 डिवाइडेड बाय 90, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना आएगा, 66.67%, ठीक है, 66.67%। वैसे दो हिस्से दिख रहे हैं आपको, 67.67% बनता है। यहां देखें अगर हम बात करें करंट लायबिलिटीज की, तो करंट लायबिलिटी माइनस का 7 डिवाइडेड बाय 140, माइनस का 7 डिवाइडेड बाय 140 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो नेगेटिव में आ रहा है, नेगेटिव में ले लेते हैं, कितना आएगा नेगेटिव में बता दीजिए, 5, ठीक है, तो 5 आ गया नेगेटिव में, यहां आ गया ये
5% आ गया। यहां देखें 40 डिवाइडेड बाय 690 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है, ध्यान रखिएगा 40 डिवाइडेड बाय 690, 40 क्योंकि सी कॉलम है और 690 के ए कॉलम है, मल्टीप्लाइड बाय 100 तो कितना आएगा एक बार मुझे बताइए, मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों को, कितना 5.80 ये मैंने रेड पेन से लिख दिया इसको, येलो यहां लिख देता हूं मैं 5.80। अब ठीक है चलिए इसके बाद आए हम लोग नेक्स्ट 200 डिवाइडेड बाय 400, ये तो 50% बन रहा है सीधा और पॉजिटिव का तो इसी से लिख देते हैं, सॉरी हाँ ये लीजिए 50%। इधर देखिए माइनस का 100 डिवाइडेड बाय 200, ये भी 50 है पर नेगेटिव में 50 है ये, ठीक है तो 50 पर नेगेटिव का, ऐसे ही बात करें हम यहां पर। अच्छा लास्ट में लिखा क्या मैंने, लास्ट में लिख देते हैं, ये मैंने लिखना भूल गया जी, ये लास्ट वाला ये 40 आएगा ना, ठीक है आइए जी यहां देखें माइनस का है, माइनस का 60 ओ लिखा भी गलत जगह है, सॉरी बच्चे कह रहे हैं गलत जगह लिख दिया जी, ये देखो यहां लिखना चाहिए था माइनस का 60, ठीक है आप सही है ना, तो माइनस का 60 है डिवाइडेड बाय 90 तो ये भी कितना आ जाएगा नेगेटिव में 66.67%, नेगेटिव में 66.67% आ गया। इसके बाद लास्ट हमारे पास टोटल का करना है हमें 40 डिवाइड बाय 690, तो मुझे बताओ कितना आ रहा है 40 डिवाइड बाय 690 मल्टीप्लाइड बाय 100, कितना 5.80, 5 पॉजिटिव है ब्लैक से लिख लेते हैं 5.80। चलिए जी तो ये क्वेश्चन हो गया है आपका, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जल्दी लिख लीजिए आप इसे, इजी क्वेश्चन है, कंपैरेटिव मुझे तो लगता ही नहीं है कराना चाहिए बट फिर भी हमने बोला हुआ है कि क्वेश्चन आप लोगों को कराना है, हम लोगों ने इसलिए करा रहे हैं आपको, ठीक है।